अब तक जिन जिन ने योगदान दिया है वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, मैं उनका भी आदरपूर्वक स्मरण करता हूं। सभापति जी, आप जब बहुत ही आर्टिकुलेट वे में दो अलग अलग घटनाओं को जोड़ करके अभी प्रस्तुत कर रहे थे, मुझे जरूर लगता है कि देश में जो लोग लेखन के शौकीन हैं वे जरूर इस पर अब गौर करेंगे, लिखेंगे कि ये 250 सत्र ये अपने आप में समय व्यतीत हुआ ऐसा नहीं है, एक विचार यात्रा भी रही है। जैसा आपने कहा कि कभी एक बिल ऐसा आया था तो जाते जाते उसी के बिल्कुल अलग सा नया बिल इस प्रकार से आया, समय बदलता गया, परिस्थितियां बदलती गई और इस सदन ने बदली हुई परिस्थितियों को आत्मसात करते हुए अपने को ढालने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज है और इसके लिए सदन के सभी सदस्य जिन्होंने तब तक काम किया वो बधाई के पात्र हैं, वरना किसी को लग सकता है भाई 20 साल पहले मैंने तो ये स्टैंड लिया था, मैं कैसे स्टैंड कैसे बदल सकता हूँ। लेकिन आपने जिस प्रकार से आर्टिकुलेट करके इस बात को प्रस्तुत किया वे हमारी विचार यात्रा का प्रतिबिंब है, भारत की विकास यात्रा का प्रतिबिंब है और वैश्विक परिवेश में भारत किस प्रकार से नई नई बातों को लीड करने का सामर्थ्य रखता है उसका उसमें प्रतिबिंब है और ये काम इस सदन से हुआ है, इसलिए सदन अपने आप में गौरव अनुभव करता है। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज इस महत्वपूर्ण अवसर का साक्षी बनने का और इसमें शरीक होने का मुझे अवसर मिला है। ये साफ कह सकते हैं हम कि कभी चर्चा चल रही थी संविधान निर्माताओं के बीच में कि सदन एक हो या दो हो, लेकिन अनुभव कहता है कि संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था दी वो कितनी उपयुक्त रही है और कितना बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया है। अगर निचला सदन जमीन से जुड़ा हुआ है तो ऊपला सदन दूर तक देख सकता है और इस प्रकार से भारत की विकास यात्रा में निचले सदन से जमीन से जुड़ी हुई तत्कालीन चीजों का अगर प्रतिबिंब व्यक्त होता है तो यहाँ बैठे हुए महानुभावों से, क्योंकि ऊपर है, ऊपर वाला जरा दूर का देख सकता है तो दूर की दृष्टि का भी अनुभव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इन हमारे दोनों सदनों से हमको देखने को मिलता है। इस सदन ने कई ऐतिहासिक पल देखे हैं, इतिहास बनाया भी है और बनते हुए इतिहास को देखा भी है और जरूरत पड़ने पर उस इतिहास को मोड़ने में भी इस सदन ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। उसी प्रकार से इस देश के गणमान्य दिग्गज महापुरुषों ने इस सदन का नेतृत्व किया है, इस सदन में सहभागिता की है और इसके कारण हमारे देश की इस विकास यात्रा को, और आज़ादी के बाद के बहुत सी चीज़ें गढ़नी थी, अब तो 50-60 साल के बाद बहुत सी चीज़ें शेप ले लिया है, क्योंकि वो शुरुआत काल में फियर ऑफ अननोन से हमें गुजरना पड़ता था। उस समय जिस मैच्योरिटी के साथ सबने नेतृत्व किया है, दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आदरणीय सभापति जी, ये सदन की बड़ी विशेषता है और दो पहलू खास है, एक तो उसका स्थायित्व, परमानेंट कहें या इटर्नल कहें, और दूसरा है विविधता, डाइवर्सिटी। स्थायित्व इसलिए है, इटर्नल इसलिए है कि लोकसभा तो भंग होती है, इसका जन्म हुआ अब तक कभी इसको न भंग हुई है न भंग होना है, यानी ये इटर्नल है, लोग आएंगे जाएंगे लेकिन ये व्यवस्था इटर्नल रहती है, ये अपनी उसकी एक विशेषता है।
और दूसरा है राज्यों का प्रतिनिधित्व प्राथमिकता है। एक प्रकार से भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की आत्मा यहां पर हर पल हमें प्रेरित करती है। भारत की विविधता, भारत की अनेकता के एकता के जो सूत्र है, उसकी सबसे बड़ी ताकत इस सदन में नजर आती है और वो समय समय पर ये रिफ्लेक्ट भी होती रहती है। उसी प्रकार से उन विविधताओं के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तब इस सदन का एक और लाभ भी है कि हर किसी के लिए चुनावी अखाड़ा पार करना बहुत सरल नहीं होता है, लेकिन देश हित में उनकी उपयोगिता कम नहीं होती है। उनका अनुभव, उनका सामर्थ्य उतना ही मूल्यवान होता है। तो ये एक ऐसी जगह है कि जहां इस प्रकार के सामर्थ्यवान महानुभाव, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अनुभवी लोग, उनका लाभ देश के राजनीतिक जीवन को, देश के नीति निर्धारण के अंदर उनका बहुत बड़ा लाभ मिलता है और समय समय में मिला है। वैज्ञानिक हो, खेल जगत के लोग हो, कला जगत के लोग हो, कलम के धनी हो, ऐसे अनेक महानुभावों का लाभ, जिनके लिए चुनावी अखाड़े से निकल करके आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस व्यवस्था के कारण हमारी बौद्धिक संपदा का भी एक रिचनेस हमें इसे प्राप्त हुई है। और इन 250 सत्रों में, और मैं मानता हूं इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाबा साहब आंबेडकर स्वयं है, क्योंकि किसी न किसी कारण से उनको लोकसभा में पहुंचने नहीं दिया गया, लेकिन यही तो राज्यसभा थी जहां बाबा साहब आंबेडकर के कारण देश को बहुत लाभ मिला। और इसलिए हम इस बात का गर्व करते हैं कि ये सदन है जहां से देश को बाबा साहब आंबेडकर जैसे अनेक महापुरुषों का हमें बहुत ही लाभ मिला। ये भी देखा गया है कि एक लंबा कालखंड ऐसा था कि जहां विपक्ष जैसा कुछ खास नहीं था, विरोध भाव भी बहुत कम था, ऐसा एक बहुत बड़ा कालखंड रहा। और उस समय जो शासन व्यवस्था में जो लोग बैठे थे, उनको वो सौभाग्य रहा कि उनको इसका बहुत बड़ा सौभाग्य भी मिला जो आज नहीं है। आज डगर डगर पर संघर्ष रहते हैं, डगर डगर पर विरोध भाव व्यक्त रहता है, लेकिन उस समय जबकि विरोध पक्ष न के बराबर था, इस सदन में ऐसे बहुत ही अनुभव और विद्वान लोग बैठे थे कि उन्होंने शासन व्यवस्था में कभी भी निरंकुशता नहीं आने दी। शासन में बैठे हुए लोगों को सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करने के कठोर काम इसी सदन में हुए हैं। ये यानी कितनी बड़ी सेवा हुई है इसका हम गर्व कर सकते हैं और ये हम सबके लिए स्मरणीय है। आदरणीय सभापति जी, हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति जी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इस सदन के संबंध में जो बात कही थी, मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा था, इसी चेयर पर बैठकर के उन्होंने कहा था और वो आज भी उतना ही उपयुक्त है। और आप प्रणब मुखर्जी, आदरणीय प्रणब मुखर्जी के बात को उल्लेख करते हो या आप स्वयं अपना दर्द व्यक्त करते हो, ये सारी बातें उसमें है। और उस समय राधाकृष्णन जी ने कहा था, हमारे विचार, हमारा व्यवहार और हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा व्यवहार और हमारी सोच ही दो सदनों वाली हमारी संसदीय प्रणाली के औचित्य को साबित करेगी। संविधान का हिस्सा बनी इस द्विसदनीय व्यवस्था की परीक्षा हमारे कामों से होगी। हम पहली बार अपनी संसदीय प्रणाली में
दो सदनों की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी सोच, सामर्थ्य और समझ से देश को इस व्यवस्था का औचित्य साबित करें। 250 सत्र की यात्रा के बाद, अनुभव का इतना संपूर्ण होने के बाद, वर्तमान की और आने वाली पीढ़ियों की दायित्व तो और बढ़ जाता है कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने जो अपेक्षा की थी, कहीं हम उससे नीचे तो नहीं जा रहे हैं? क्या हम उन अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, या बदलते हुए युग में हम उन अपेक्षाओं को भी और अच्छा वैल्यूएडिशन कर रहे हैं? ये सोचने का समय है और मुझे विश्वास है कि सदन की वर्तमान पीढ़ी भी और आने वाली पीढ़ी भी डॉक्टर राधाकृष्णन जी की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी और उसे आने वाले दिनों में देश को, अगर जैसा अभी आदरणीय सभापति जी ने कहा, अगर हम पिछले 250 सत्रों की विवेचना करें तो कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिल यहाँ पास हुए हैं जो एक प्रकार से देश के कानून बने, देश के जीवन को चलाने का आधार बने हैं। और मैं भी पिछले अगर 5 साल का हिसाब किताब देखूं तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसी अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बनने का अवसर मुझे भी मिला है। विद्वत्तापूर्ण हर एक किसी के विचार सुनने का मुझे सौभाग्य मिला है और कई बातों को नई सिरे से देखने का अवसर इसी सदन से मिला है और इसके लिए मैं खुद लाभान्वित हुआ हूँ और मैं सबका आभारी भी हूँ। और ये अगर हम चीज़ों को सीखे समझे तो बहुत कुछ मिलता है और वो मैंने यहाँ अनुभव किया है। तो मेरे लिए आप सबके बीच कभी कभी आकर के सुनने का मौका मिलता है वो अपने आप में एक सौभाग्य है। अगर हम पिछले 5 साल के तौर देखें, यही सदन है जिसने 3 तलाक का कानून होगा कि नहीं होगा, हर एक को लगता था यहीं पर अटक जाएगा, लेकिन इसी सदन की मैच्योरिटी है कि उसने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वीमेन एम्पावरमेंट का काम इसी सदन में किया। हमारे देश में आरक्षण के विरोध करके हर पल संघर्ष के बीज बोए गए हैं, उसमें से तनाव पैदा करने के भरसक प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन ये गर्व की बात है कि इसी सदन ने सामान्य वर्ग के गरीब परिवार का 10% आरक्षण का निर्णय किया, लेकिन देश में कहीं तनाव नहीं हुआ, विरोध भाव पैदा नहीं हुआ, सहमति का भाव बना, ये भी इसी सदन के कारण संभव हुआ है। इसी प्रकार से हम जानते हैं जीएसटी लंबे अरसे थे, जो को भी शासन में जिसकी जिम्मेवारी है, हमने कितने मेहनत की, कमियां है नहीं है, सुधरनी चाहिए नहीं सुधरनी चाहिए, ये सारी भी डिबेट चलती रहेगी, लेकिन वन नेशन वन टैक्स सिस्टम की ओर इसी सदन ने सर्वसम्मति बना करके देश को दिशा देने का काम किया है और उसी के कारण एक नए विश्वास के साथ विश्व में हम अपनी बात रख पा रहे हैं। देश की एकता और अखंडता इसी सदन में 1964 में जो वादे किए गए थे कि 1 साल के भीतर भीतर इस काम को कर दिया जाएगा, जो नहीं हो पाया था वो धारा 370 और 35A इसी सदन और देश को दिशा देने का काम इस सदन ने पहले किया, बाद में लोकसभा ने किया है, और इसलिए ये सदन अपने आप में देश की एकता अखंडता के लिए इतने महत्वपूर्ण निर्णय के अंदर इतनी जो भूमिका अदा की है वो अपने आप में, और ये भी एक विशेषता है इस सदन इस बात के लिए, जिस बात को भी याद करेगा कि संविधान के अंदर धारा 370 आई, उसको इंट्रोड्यूस करने वाले मिस्टर एन गोपाला स्वामी वो इस सदन के पहले नेता थे, फर्स्ट लीडर थे वो, तो उन्होंने इसको रखा था और इसी सदन ने उसको निकालने का काम भी बड़े गौरव के साथ करके वो एक घटना अब इतिहास बन चुकी है, लेकिन यहीं पर हुआ है। हमारा संविधान निर्माताओं ने
हम लोगों को जो दायित्व दिया है, हमारी प्राथमिकता है कल्याणकारी राज्य, लेकिन उसके साथ एक जिम्मेवारी है राज्यों का कल्याण। यानी भारत है सच, हम कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करें, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोगों का दायित्व है राज्यों का भी कल्याण, और ये दोनों मिलकर के, राज्य और केंद्र मिलकर के ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और उस काम को करने में इस सदन ने, क्योंकि ये राज्य का रिप्रेजेंटेशन पूरी ताकत के साथ करते हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और हमारी संवैधानिक संस्थाओं को ताकत देने का भी हमने काम किया है। हमारा संघीय ढांचा हमारा देश के विकास के लिए सबसे अहम शर्त है, और राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर के काम करें तभी प्रगति संभव होती है। राज्यसभा इस बात को सुनिश्चित करती है कि देश में केंद्र और राज्य सरकारें प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन हम प्रतिभागी बनकर के, सहभागी बनकर के देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। यहाँ जिन विचारों का आदान प्रदान